स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इसका नाम है जानकारी मैट्रिक्स। यहाँ पे ग्रेड पे और वेतन वृद्धि को लेकर की का अपडेट आई है। सिवान जिले से चलिए पढ़ते हैं। शिक्षकों को एक ही साल में ग्रेड पे और वेतन वृद्धि का नहीं मिल सकेगा लाभ। सिवान जिले से है। शिक्षा विभाग स्थापना शाखा के DPO अवधेश कुमार जिले के सभी प्रखंडों के BEO को पत्र भेजकर 6वें चरण के शिक्षक नियोजन अंतर्गत नियुक्त शिक्षक एवं अन्य स्थानीय निकाय शिक्षकों के वेतन निर्धारण करने को कहा है। इसके लिए आवश्यक गाइडलाइन जारी किया गया है। DPO ने कहा है कि शिक्षा विभाग ज्ञापांक 2174 दिनांक 30 दिसंबर एवं पत्रांक 2153 द्वारा निर्देश संसूचित है कि स्थानीय निकाय अंतर्गत नियुक्त शिक्षक के वेतन निर्धारण के समय एक ही वर्ष में ग्रेड पे एवं वेतन वृद्धि का लाभ एक साथ देय नहीं है। विभिन्न प्रखंडों द्वारा कार्यालय को उपलब्ध कराया गया वेतन निर्धारण प्रपत्र के अवलोकन से ज्ञात होता है कि फरवरी 2022 में नियुक्त शिक्षकों को जनवरी 2024 में वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए 2 वर्ष सेवा के पूर्ण होने की अवधि के उपरांत ग्रेड पे का लाभ भी फरवरी 2024 में देते हुए वेतन निर्धारण कराया जाता रहा है, जो कि विभागीय निर्देश के विपरीत है। ऐसे शिक्षकों का वेतन निर्धारण 2 वर्षों की सेवा पूर्ण के उपरांत अनुमान ग्रेड पे के इंडेक्स 2 पर निर्धारित किया जाना चाहिए। गलत वेतन निर्धारण पर युवा शिक्षक पर होगी कार्रवाई। DPO ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में गलत वेतन निर्धारण के आधार पर वेतन विपत्र तैयार नहीं किया जाए, अन्यथा संबंधित शिक्षक प्रधानाध्यापक पे मेकर एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर इसकी जवाबदेही तय करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक है सेवा पुस्तिका एवं वेतन निर्धारण प्रपत्र मंगाकर उसमें आवश्यक सुधार करते हुए वेतन प्रपत्र में भी साथ साथ सुधार 3 दिनों के अंदर कर लेंगे। वेतन निर्धारण प्रपत्र पर भी आवश्यक सुधार कर लेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।